हेलो दोस्तों, कोरोना वायरस अब सिर्फ चाइना का मैटर नहीं रह गया है। WHO के द्वारा इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना और फिर इंडिया में इतनी सुरक्षा बरतने के बावजूद भी कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव आना, यही इंडिकेशन देता है कि अब हमें पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंडिया में कोरोना वायरस की अवेयरनेस के लिए हर एक अपडेट और न्यूज़ आप तक सही टाइम पर पहुँचाऊँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो अच्छे से वेरीफाइड और रिसर्च की गई हो, ताकि आप उस पर बहुत आसानी से रिलाई कर सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कोरोना वायरस भारत में ना फैल सके तो इसके लिए भारत क्या क्या कदम उठा रहा है। भारत का पहला कोरोना वायरस केस जो चाइना की वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली केरल की स्टूडेंट जो वायरस से इन्फेक्टेड है, उनका इलाज हो रहा है और हालत अभी स्टेबल है। साथ ही दिल्ली में भी चाइना से लौटे 5 लोगों में कोरोना वायरस के सिम्टम्स मिले हैं। सभी को हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इससे पहले भी 3 लोगों पर इन्फेक्टेड होने का शक था, लेकिन रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया गया। वी आर स्क्रीनिंग एवरीबॉडी हु इज कमिंग विद अ ट्रैवल हिस्ट्री फ्रॉम चाइना एंड इट्स ऑल बीइंग डन एट ऑलमोस्ट 20 एयरपोर्ट्स एंड एनीबॉडी विद अ सस्पिशियस दैट्स हाउ वी कुड कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार ने भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने चीन के हुबई प्रोविंस से इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने का भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें 600 स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट किया गया है। भारत में फ्लाइट के जरिए चाइना के हुबई प्रोविंस से अपने नागरिकों को भारत वापस लाने की इजाजत चीन सरकार से मांगी है। पहली फ्लाइट से वुहान और उसके आसपास के इलाकों से लोगों को निकाला जाएगा। दूसरी फ्लाइट से हुबई के दूसरे इलाकों से लोगों को भारत लाया जाएगा। चीन से इजाजत मिलते ही आज ही वुहान से ऑपरेशन चालू होगा। अब भारत में भी अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। देश की कैपिटल दिल्ली समेत चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद समेत कई एयरपोर्ट्स पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यानी पूरी दुनिया पे इस टाइम कोरोना वायरस छाया हुआ है। क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव टॉपिक है, तो अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है, तो प्लीज कमेंट करके आप अपडेट कर दें, ताकि सभी तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है। इस वायरस से चाइना में 43 और लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे कि टोटल डेथ्स का नंबर 213 हो गया है। चाइना और WHO के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पिछले 24 घंटों में लगभग 2000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो दुनिया भर में कुल मिलाकर लगभग 9800 हो गए हैं। मेजॉरिटी मामले चाइना के अंदर के हैं। 20 अन्य देशों में लगभग 100 केसेस की कंफर्मेशन की गई है। जैसे ही कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, पैनिक भी बढ़ रहा है। USA ने भी इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका से चाइना जाने वाले सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, और साथ ही दूसरे देशों के विजिटर्स जिन्होंने पिछले 14 दिनों में चाइना ट्रैवल किया है, USA ने उनकी एंट्री पर रोक लगा दी है। अगर आपको अगले कुछ दिनों में US जाने का प्लान है, तो चाइना ट्रैवल ना करें। चाइना से चलकर दुनिया में कैसे फैला डेंजरस कोरोना वायरस, जिसका खतरा इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरब के देशों में फैलता जा रहा है। इसके साथ ही पूरी दुनिया पर वायरस ने अपना कब्जा कर लिया है। चाइना और हांगकांग से लौटे लोगों की जांच की जा रही है। एयरप्लेन बोर्ड करने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अमेरिका में भी इस कोरोना वायरस के 7 केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम दिसंबर में पकड़ में आया था, लेकिन अभी चाइना की बॉर्डर क्रॉस करके बाकी कंट्रीज में फैल रहा है और पूरी दुनिया पर इसका खतरा मंडरा रहा है। ना ही इसका कोई इलाज है और यह बीमारी कैंसर से भी खतरनाक है। काफी जगह पर इसका खतरा फैल चुका है और कई जगह पर इसका खतरा फैलता जा रहा है। गवर्नमेंट अलर्ट हो रही है और जो सभी हेल्थ सेंटर्स है वो पूरे तरीके से इस वायरस को लेकर मॉनिटरिंग पर है। लोगों के टेस्ट लिए जा रहे हैं और जोर शोर से इसके इलाज पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन इसका कोई भी एंटीडॉट या वैक्सीनेशन नहीं मिला है। पूरा मामला आइए जानते हैं कि क्या है और कहां से ये वायरस फैला है, और कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, और भारत में पहला केस पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बाद कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको आप जरूर दबा दें। कोरोना वायरस से कैसे बचे और क्या क्या ध्यान हमें रखने चाहिए, आइए जान लेते हैं। सी फूड खाने से बचें, और अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, क्योंकि ये बैंकॉक में भी दस्तक दे चुका है, तो वहां पे सी फूड खाना बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आपको खाना ही है तो उसको अच्छे से पका कर ही खाएं।
बीमारी के सिम्टम्स वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। उसके अलावा मास्क पहन कर ही आप घर से बाहर निकलें तो इस कोरोना वायरस से आप थोड़ा बच सकते हैं। कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, और अगर आप जल्दी में हैं या इमरजेंसी में हैं तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो रुमाल का इस्तेमाल करें। अब ये बात कर लेते हैं कि ये वायरस फैला कैसे, कहाँ से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा इसका अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। लेकिन अलग अलग कंपनीज और मीडिया सोर्स के अगर क्लेम्स देखे जाएं तो बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट आई है कि दिसंबर 2019 में यह कोरोना वायरस चाइना के वुहान नॉनवेज मार्केट से शुरू हुआ था। वहां बेचे गए जंगली जानवरों में यह वायरस था और नॉनवेज खाने वालों तक पहुंच गया और धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। एज पर द न्यूज़ ये बताया जाता है कि सांप से ये वायरस आया है, कोई कहता है ये मेंढक से वायरस आया है, कोई कहता है चमगादड़ से ये वायरस आया है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट कंफर्म नहीं है। चाइना के पड़ोसी देश सिंगापुर, थाईलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया सहित कई देशों पर इसने अपना कब्जा कर लिया है और इंग्लैंड में भी फैल चुका है, और हर एक जगह पे कोरोना वायरस की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? आखिर ऐसा क्या होता है जब आपको इसके सिम्टम्स पता लगते हैं? क्या हो सकता है कि ये कोरोना वायरस हो? लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर आपने या आपके किसी नोन ने पिछले एक महीने में चाइना ट्रैवल किया है और आपको नीचे बताए लक्षण हैं तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करके टेस्ट करवा लें। सर में बहुत तेज दर्द की शिकायत रहती है। जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए जाते हैं, नाक लगातार बहती रहती है, जुखाम रहता है, खांसी रहती है और गले में खराश की भी एक लक्षण है। और जिन पेशेंट्स को अस्थमा है उनकी तबीयत पहले से बिगड़ जाती है और हर समय थकान महसूस होती है। निमोनिया की भी शिकायत कोरोना वायरस के दौरान रहती है। फेफड़ों में बताया जाता है कि सूजन आ जाती है। ध्यान रखें कि अगर आपने चाइना या अफेक्टेड कंट्रीज में ट्रैवल नहीं किया है और आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल खांसी जुखाम ही है। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में कोरोना वायरस को एंड टू एंड एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है, सिम्टम्स क्या है, कहाँ से पैदा हुआ और क्या ये क्यूरेबल है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लें। और अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करो, ताकि लोग जो फैले हुए र्यूमर्स हैं उन पे ध्यान ना देकर कोरोना वायरस के भय के रूप को समझो और अपना ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और जब आप सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी सभी नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट कर ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन अपना और अपना का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल इफ यू केयर फॉर ह्यूमन लाइफ। और देखते रहें आशिमास किचन।